पेडिसिलिन ब्रिज ना यहाँ होना चाहिए, इनको ये खुदने से पहले बनाना चाहिए था पेडिसिलिन ब्रिज, ताकि लोग आमने सामने जाने के लिए मसला ना हो। तो पेडिसिलिन ब्रिज फिलहाल यहाँ बन नहीं पाया, मगर इनको चाहिए कि अब बना ले पेडिसिलिन ब्रिज। बहुत मसला है, मगर खैर चले काम हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे काम जल्दी होगा, मगर ये जो यहाँ काम की वजह से जो 90% कस्टमर हैं बेचारे दुकान वालों के, वो थोड़ा परेशान है। तो वो एक दो दुकान वालों से बात ही हुई, उनका कहना ये था कि NGOs को इसमें आगे आना चाहिए कि आप शतरमुर्ग वगैरह खिला रहे हैं, मगर ये कि जो दुकान वाले हैं कमेटी बने जो कि जो जो लोग हैं जो परेशान हैं उनको कंपनसेट किया जाए इस हवाले से। वो भाई अपने वो प्लेटफॉर्म पे दिखाने के लिए शतरमुर्ग वो सारी चीज़ें करवा रहे हैं, लोग दावत कर लोग आ रहे हैं अपने वाले, बाकी काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। मुर्तजा आदमी भूखा बैठा हो मर रहा हो, तुम उधर दावतें कर रहे हो, तो वो थोड़ी सी वो भी फंड का पैसा है ना, तो उसमें तो उसमें उसमें ये है कि करना ही चाहिए हुकूमत को कि NGOs के साथ मिलके एक कमेटी कायम की जाए और जितने भी यहाँ परेशान हाल हैं पतारे वाले उनको महीने के कुछ पैसे बांध दिए जाए, और जो कम जो दुकानें उनके टैक्स फ्री कर दें या बिल माफ़ कर दें, कुछ तरह का मामला करें। पर काम ये काफ़ी अच्छा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से। अच्छा बस दो तीन लूप पोल्स हैं जो कि हैं, जैसे कि बिजली का काम ज़्यादातर यहाँ जो हो रहा है वो ठेकेदार जो है पोल से कर रहा है, अपनी बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब अपनी बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा तो ये पोल का बिल है वो फ्लैट वाले देंगे, और जो पानी इस्तेमाल हो रहा है पानी भी यहाँ फ्लैट वालों का इस्तेमाल हो रहा है। तो खैर दो चीज़ तीन चीज़ें हैं, मगर ओवरऑल काम अच्छा हो रहा है, लोगों का फीडबैक लिया है, लोगों का कहना है कि काम बहुत जल्दी हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई खाना पीने वाला नहीं अच्छा है। नहीं वो जो इन्होंने बोला था वो किया ना, वो क्या प्लानिंग होती है ना, वो प्लानिंग में वो अगर वहाँ आ जाता ना सज्जा जी, शायद इसके ऊपर भी जो है ये डालेंगे रोड। आप देख सकते हैं रात के इस पहर में भी यहाँ काम हो रहा है, काका भवानी चौरंगी से जा रहा है मीना बाज़ार फसल बाज़ार की तरफ अंडर पास, और ये खुदाई मुस्तकिल हो रही है और ये खुदाई इसी तरह आगे जाएगी और आगे तक ये काम होगा फैसल बाज़ार की मीना बाज़ार और फैसल बाज़ार तक। उसके बाद दूसरा मरहला होगा ब्रिज के नीचे और तीसरा मरहला होगा मूसा कॉलोनी वाला। आप देख सकते हैं काम की नोयत, आप देख सकते हैं लाइव कवरेज आपको दिखा रहा हूँ मैं कराची के करीमाबाद से जो अंडर पास बन रहा है, और आप देख सकते हैं अंडर पास बहुत अच्छा बन रहा है। थोड़ा सा आपको और आगे की तरफ लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि खुदाई प्रॉपर यहाँ हो रही है, रात के इस पहर में भी काम हो रहा है, जो कि ये बात का सबूत है कि काम तरीके से हो रहा है और लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और जो केयर टेकर हुकूमत जाने के बाद जो हुकूमत आई है और उसके बाद जो है काम की रफ्तार में बहुत तेज़ी हुई है। तो एक काशी करीमाबाद की अपडेट, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएगी, और कोशिश कीजिए कि कराची की अपडेट के हवाले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहेंगी कराची के हवाले से।